लीडरशिप है, वेरी यंग, अपनी कंट्री के लिए कुछ करें, उसके बाद आप नौकरी के लिए भी जाए। इसी के साथ मैं आईकेसीए को कंग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने स्पोर्ट्स डे के साथ ये खेलो इंडिया का प्रोग्राम बहुत अच्छा रखा है, एंड आई गिव माय ऑल द बेस्ट विशेस, मेरी शुभकामनाएं आप सभी प्लेयर्स के साथ। जय। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक मोटिवेशनल स्पीच। थैंक यू सो मच सर। May I request now, I feel privileged to welcome our special guest of the day, Miss P. Sonia Devi, international kayak paddler. I welcome you, ma'am, and request you to share your experience. Good morning, everyone. Because I like LAP, Association as an awardee Sajitho and ICF expert course Zentasar and myself Sonia Firembam from Manipur, and I practice in Sai and Suri Bhopal under Keshwari Ma'am and Jip Sir. I am kayak and I have taken 63 national medal and 3 international medal so far. First of all, I would like to thanks to Khelo India E Pachala at IKCA for giving online classes. Today, I am very happy for getting such opportunity. So, online class करने में हमको हम लोग को बहुत benefit मिलती है। एक दिन भी हम practice नहीं करते तो हम लोग को बहुत loss हो जाती है। पढ़ाई में तो आज पर भी कल एक साथ कर ऐसा प्रैक्टिस नहीं करो कर, एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हर एथलीट में तो हमारे पास होते रहते पर प्रैक्टिस तो सोना नहीं चाहिए, इसलिए ये ऑनलाइन करने में मेरे को बहुत अच्छा लगा और नया एक्सरसाइज भी सीखने मिलती है। और मैं अपने जूनियर सब जूनियर को कुछ बोलना बताना चाहती हूँ। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए, जो चला गया टाइम वापस नहीं आती। घूमना फिरना ये तो बाद में भी आते रहेगी, पर एस निकल गए तो जो परफॉर्मेंस आने का टाइम है वो निकल जाते, तो हमको फिर परफॉर्मेंस अब नहीं हो पाते। मैं भी खुद अभी अच्छा नहीं लगती, पहले जो थोड़ा टाइम मैंने खराब किया वो अच्छा नहीं लगते। हम खुद प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो सार में लोग ने उतना फोर्स देने में भी कुछ बेनिफिट नहीं होगी, चार लोग सिर्फ हमको गाइड देती है और अच्छा वाव दे सकती है। उसको हम ईमानदारी से दिल में लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए और कभी भी जो जोश में आके कभी भी वोट भगाने के लिए मत सोचो, ये बोलना चाहती हूँ। और वो तो भागेगा ही भागेगा, सबसे पहले आप लोग टेक्निक में ध्यान दीजिए, जो पावर कैसे लगाना है सार लोग बताते हैं उसी में ध्यान दीजिए। हम खुद को हर स्ट्रोक एनालाइज करना पड़ेगा हमको कुछ बनना है तो। और कभी भी सार मैम लोग ने बोला हुआ बात कभी ना बोलो, जो बात सार लोग हम लोग को बताती है हम लोग को समझाती है वो हमेशा हम लोग रेस लड़ने में बहुत मदद मिलती है, हमेशा रेस जिताने में उनका बहुत फायदा मिलते है। और हम रेस फिनिशिंग के टाइम में थकने में भी सार मैम लोग ने जो बात बताती है वो याद आ जाते है, तो उसी को अप्लाई करने में हमको रेस ताने में बहुत मदद मिलती है। ये सब अपने जूनियर वालों को बोलना चाहती हूँ, इसमें इतना बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम।
Thank you, sir. Thank you, Miss Sonia, for your shared experience and motivates, telling them the importance of time and an athlete's focus. Thank you so much, Sonia. Now we proceed further. For the introductory and next, I would like to welcome and invite our today's expert coach, Mr. L. Janta Kumar Singh, ICF ITO Level 3 expert coach, ex-master chief petty officer, Indian Navy. I hand over my mic to you, sir. Thank you, ma'am, and very good morning. Good morning, Bikram Pal sir, President in the Navy, Delhi Kayaking and Canoeing Association, and our international guest from Sai. Our respected director, NCOE LAP. हमारे जो प्रोग्राम है जो चल रहा है इसमें धीरे धीरे हमारे खिलाड़ी और हमारे टेक्निकल्स कोचेस सब जुड़ रहा है और काफ़ी सारे चीज़ें सोशल मीडिया में भी जुड़ते हुए दिखे हैं और आज बिकम पाल सर है हमारे साथ जो इंडियन कैकिंग कैनिंग एसोसिएशन की तरफ से आए हमारे पुराने जो पहले जब कैकिंग कैनिंग शुरू हुआ था तब से सर का साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है साथ में और सर ने बहुत अच्छा हमारे लिए अच्छी बातें कही हैं जो बाकी जो स्टेट है और वो भी उनको फॉलो अप करते हुए मोटिवेशनल होते हुए और अच्छा आगे आने वाले टाइम में करेंगे एंड coming to the point with the permission of respected Venkata sir Reddy sir I would like to proceed for this today's session आज का जो हमारा सेशन है धीरे धीरे सेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है खत्म होने के कगार पे आया है तो जैसे प्रोग्रेस होता है हम लोग धीरे धीरे टेक्निक हो या एक्सरसाइजेस हो बेसिक फंडामेंटल से लेके हम एडवांस की तरफ परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो खिलाड़ी जैसे हमने शुरू किए थे तो खिलाड़ी काफ़ी मतलब अनफिट लग रहे थे कहीं मूवमेंट में बॉडी लैंग्वेज में तो अभी धीरे धीरे फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं उनके देखते हुए हमारे जो लीड कोच अंग्रेज को साहब हैं उन्होंने आज प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के जो वर्कआउट बनाया है वो काफ़ी लाभदायक होगा वैसे हमने एक्सरसाइज का नाम बता के आपको जो ये ट्रेनिंग जो है इसका नाम बता के क्या मूवमेंट होता है क्या इसका फायदा क्या है वो आपको पता कराने का कोशिश किया है वैसे आप लोग ने अपने अपने जगह अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में अपने कोचेस के थ्रू कुछ एक्सरसाइजेस जो है आपने किए हुए हैं बस आपको ये आज समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्लायोमेट्रिक्स वर्कआउट होता है इससे आपको क्या फायदा मिलेगा प्लायोमेट्रिक्स जो आप देखेंगे उसको आज का जो सेशन है कम है समझाने के लिए कि ये किस तरह करना चाहिए एक्चुअली और इसका करेक्ट फॉर्म क्या है ये प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग आपको स्ट्रेंथ के लिए भी आप यूज़ कर सकते स्पीड के लिए भी एक्सप्लोसिव पावर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसल डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है ये एक एडवांस लेवल में आता है जो बेसिक आप पुशअप भी करते हो तो प्लायोमेट्रिक्स में क्या होगा पुशअप एंड क्लैप्स हो गया आप करते हो जो एडवांस आते हैं जैसे जैसे फिटनेस करते हो नेचुरली आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट आता है वो सब करने के लिए तो ये सब जो हम साइंटिफिकली इनको कराते हैं प्लायोमेट्रिक्स में क्या है मसल जो है कंसेंट्रेट करते हैं कंसेंट्रिकली देन इसेंट्रिक स्ट्रेसिंग भी करते हैं दोनों का कंबाइन करते हैं ठीक है तो उसको आप प्लायोमेट्रिक्स कहते हैं बेसिकली और प्लायोमेट्रिक्स करते अगर कोई प्लायोमेट्रिक्स स्पेशली आप एक्सरसाइज करने वाले हो तो आपको ये जरूरी है कि रेस्ट प्रॉपर लेना है रेस्ट जो है एक्सरसाइज और रेस्ट के बीच में ज़्यादा ध्यान देना है और कभी भी वर्कआउट कोचेस बनाते हैं या करते हैं तो आप एग्जॉस्टिव लेवल तक नहीं ले जाना क्योंकि इसमें एक डायनामिक मूवमेंट है और ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं मसल एक्सप्लोसिव डायनामिक मूवमेंट है तो इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं तो ग्रेजुअली आप करते समय बेसिक मूवमेंट जो है धीरे धीरे रिदम में करें जैसे आप सेहत बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ाए तो खिलाड़ी हमेशा ध्यान दे जो कोच अभी बताते हैं डेमो बहुत अच्छा सा करके बताते हैं उसको ध्यान दे उसके ऊपर आप अपना जो
पौधे का जो पोस्टर स्ट्रक्चर आप मेंटेन करके करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे और कंक्लूजन पार्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। सो अंग्रेज कोसा, आर यू रेडी फॉर द वर्कआउट? यस सर, आई एम रेडी सर। यस ओके, लेट्स गो अहेड। ओके सर, थैंक यू। खिलाड़ियों को अच्छा सा वार्म अप करना है। शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू में ही बोरिंग होता है, तो आप ये सेशन आने से पहले आप मोबाइल लगा के ना बैठे, मोबाइल ऑन कर दीजिए, देन स्टार्ट मूविंग, गेट वार्म अप योर बॉडी, ठीक है। एक्टिवेट कीजिए मसल्स को, हिलाइए दुलाइए, थोड़ा एक्टिवेट कीजिए धीरे धीरे, तो टाइम हो सकता है हम एक सेशन के अंदर वार्म अप सेशन को देखते हुए ठीक से ना कर पाए, तो आप लोग अपना एडवांस में करके रखिए, मेंटली फोकस रखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटली प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो हमारा सेशन है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है फॉर बिगनर्स, ग्रास रूट में अगर हम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, टोटली डायनामिक 10 एक्सरसाइज है टोटल, और ये जस्ट बिगनर्स के लिए, जस्ट बेसिक मूवमेंट्स है, इसमें स्टेपिंग वगैरह है हमारा, होपिंग वगैरह, होप एक्सरसाइज स्टेपिंग है, जिसमें आपका बेसिक बॉडी का कोऑर्डिनेशन वगैरह इंप्रूवमेंट होगा। तो पहले हम आपको डेमो देंगे, फिर उसके बाद में आपको कराएंगे, पहले ध्यान से डेमो देखना है एक्सरसाइज क्या है, कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट हम वार्म अप सेशन में जाएंगे, तो वार्म अप मेरे साथ दो ट्रेनिंग है मेरे, मेगा प्रदीप एंड अक्षय सुनील। सो हम फर्स्ट वार्म अप सेशन के लिए जाएंगे, सभी आ जाओ ट्रेनिंग अपना कैमरा के सामने। ओके रेडी, फर्स्ट सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे हम। ओके 10 सेकंड के लिए सूर्य नमस्कार, रेडी फर्स्ट। Change, very good, down, more down, look straight, back leg straight, breathe, continue, both leg back straight, full plank position, look straight, breathe, continue, सांस को होल्ड नहीं करना है, सांस कंटिन्यूसली लेना है। फाइव टच, चिन, चेस्ट, हैंड्स, नी एंड टो, चेंज, कोबरा पोज, लुक अप, टो रिलैक्स, नॉट पॉइंटेड, हील्स टच, एडी को नीचे टच करो ग्राउंड के साथ, अल्टरनेट लेग फॉरवर्ड फॉर, लुक्स बैक लेग स्ट्रेट, स्ट्रेच मोर डाउन, जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो बॉडी को, नाउ 5 सेकंड के लिए नेक्स्ट, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा शेक योर आर्म्स एंड लेग्स,
अभी 5 seconds के लिए होल्ड करेंगे. टोटल 12 स्टेप में 12 स्टेप्स को कंटिन्यूसली करना है 5 seconds के लिए. रेडी होल्ड चेंज ऑन माय विसल. टैक्टिक टू डायनामिक आना है बॉडी को, धीरे धीरे मूवमेंट में लेके आना है. पहले हमने स्लो किया स्ट्रेच, देन अभी थोड़ा मूवमेंट में जाएंगे, उसके बाद अगली डायनामिक 2 सेकंड के लिए करेंगे. सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार वाला, फुल बॉडी का स्ट्रेच हो जाता है इसमें. लेफ्ट नाउ 2 सेकंड्स के लिए जाएंगे, थोड़ा मूवमेंट डायनामिक मूवमेंट. खिलाड़ी जो बैकग्राउंड में है वो लोग भी करें, ये काफी फायदा रहेगा. आप जब करोगे देखने में बोर लगता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, आपको काफी फायदा अच्छा लगेगा आपको. रेडी चेंज ऑन माय विसल. Left. Okay. Good. Very good. So little movement, jumping exercise. 2 minute के लिए थोड़ा jumping exercise करेंगे. Ready हो जाओ सभी कैमरा सामने. सभी athletes request है अब अच्छे से अपना कैमरा एक जगह सेट करो, बार बार कैमरा के सामने मत आओ. Ready हो जाओ. Okay. Now just jumping exercise. No, start normal jumping. Ready. Very good. Start jumping, very good, normal jumping, okay, jumping jack, change exercise, very good, 6 to 8 repetitions each exercise, very good, normal jumping, continue, very good. One single leg hop, high knee, single leg, high knee, very good. Change leg, other side. Very good, excellent. Alternate, dono legs. Front kick. Side kick, very good. Normal jumping, continue, very good. Jumping, continue jumping. Land 5-star jump, come on, ready. 1, 2, 3, 4, 5. Leg jumping, continue jumping. Very good, jumping, continue. Okay, 5 times vertical jump, maximum up, jump. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, continue jumping, continue. Jumping on your toes. Okay, ankle hold, skipping exercise, जैसे jump करते हैं, hop skipping action,
Continue, continue. Jumping, jumping. Very good. Normal jumping. Normal. Twist your hip. In jump. Good. Leg. Okay, leg. वॉक अराउंड सर, अपना थोड़ा इर्द गिर्द वॉक कीजिए, और अगर पानी पीना है तो पानी पी लीजिए आज, रिलैक्स हो जाइए। सो हमारा वार्म अप सेशन कंप्लीट हुआ, अभी टोटल हमारे पास एक्सरसाइज हैं, आपको डेमो देंगे, थोड़ा क्लोज आ जाओ और आप अच्छे से डेमो देख लो, टोटल 10 एक्सरसाइज मेरे साथ अच्छा और मेगा एंड अक्षय है डेमो देने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, प्रॉपर जंपिंग जैक करते हैं फ्रंट में, कंफर्म ओके, प्रॉपर जंपिंग जैक, हैंड्स अप एंड डाउन, लेग्स और हैंड को टुगेदर ओपन करना है, अदर क्लोज करना है, एक साथ हैंड्स और लेग्स ओपन होंगे, एक साथ क्लोज आएंगे, हैंड्स लेग्स और क्लोज आएंगे एक साथ, अप प्रॉपर प्रॉपर गुड, वेरी गुड। तो हमारा 30 सेकेंड ऑन रहेगा, 30 सेकेंड स्टॉप, 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे, 30 सेकंड रिकवरी रहेगा, रेस्ट रेस्टिंग टाइम। सो नेक्स्ट इज अ डबल फुट फॉरवर्ड होप, डबल फुट फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, दोनों पैर टुगेदर, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड व्यू, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दोनों पैर जोड़ के एक्सरसाइज करना है, ओके, दोनों पैर जोड़ के फॉरवर्ड होप, ओके, नाउ साइड वेज डबल फीट, नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज डबल फीट साइड होप, साइड टू साइड, वेरी गुड, थर्ड एक्सरसाइज हमारा ये है, और फोर्थ एक्सरसाइज है एंकल होप, एंकल होप है जैसे स्किपिंग करते हैं, अपना एंकल के ऊपर ही जंप लेना है, और टोटली स्किपिंग एक्शन भी बोल सकते हो इसको आप, फोर्थ एक्सरसाइज, और देन सब मैक्स स्क्वायर, सब मैक्स स्क्वायर जंप में क्या है, फुल स्क्वायर नहीं करना है, अपना जो पैर है शोल्डर की विड्थ के अकॉर्डिंग, आप जितना आपका शोल्डर का चौड़ाई है उतना ही चौड़ा अपना पैर खोलना है, और आपने स्क्वायर पोजीशन में रहना है, जंप हाफ स्क्वायर, हाफ में रहना है, पूरा फुल फुल डाउन नहीं जाना है, सब मैक्स में रहना है, डेमो, लुक स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट रहना है, बैक स्ट्रेट रहना है, और लुक स्ट्रेट सामने देखना है, ओके, सब मैक्स स्क्वायर जंप, देन 360 जंप, 360 चारों ओर घूमना है, चारों दिशाओं में, लेफ्ट बैक एंड फॉरवर्ड, देन रोटेट बैक, ओके, क्लियर, फर्स्ट सामने, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड, बैक साइड, राइट साइड टू बैक, लेफ्ट, देन फॉरवर्ड, 360 पूरा बॉडी को घुमाना है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है लोडेड बर्पीज, लोडेड बर्पीज, पहले चाइल्ड पोज एक्सरसाइज में, साइड व्यू चाइल्ड पोज, सिट डाउन, चाइल्ड पोज एक्सरसाइज है, यहाँ उठना है और जंप लेना है, ओके, देन अगेन चाइल्ड पोज एक्सरसाइज, देन जंप, इसको बोलते हैं लोडेड बर्पीज, ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्केटर स्टेप, जैसे स्केटिंग करते हैं वैसे ये स्केटर स्टेप, वेरी गुड, कंटिन्यू, हाँ यस, ध्यान से देखो एक्सरसाइज को, ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा राइट लेग रनर होप, एक सिंगल लेग में रनिंग, जैसे रनर एक्शन करते हैं, रनर होप है राइट लेग, एक ही लेग को, ओनली सिंगल लेग, राइट लेग में करेंगे 30 सेकेंड, देन 30 सेकेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज लेफ्ट लेग, पूरा एक्शन में जाना है, ये जो आपका आर्म है ये रनिंग एक्शन में जाना, जो हमारा रनिंग का एक्शन रहता है, जैसे ए पैर फॉरवर्ड आ रहा है तो अल्टरनेट आर्म्स आगे आएगा, अगर राइट हैंड आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट फीट आगे आएगा, तो अल्टरनेट अपोजिट जो है वो जाएगा, तो पूरा एक्शन में रहना है आपको, एक्शन में करना है, बॉडी स्ट्रेट रखना है, बॉडी बेंड करके नहीं करना है, ओके, सो ऑल गाइस रेडी, रेडी हो जाओ, सभी आ जाओ, पानी पी लीजिए, ड्रिंक योर वाटर, 30 सेकेंड और 30 सेकेंड ऑफ,
Okay, so first exercise, jumping jacks. Ready? Proper. Arms and legs together open, together close. Very good. Proper jumping jacks. Very good. Excellent. First side se na spotlight karo, dujiyan na karo. Good, 20 seconds. off. Relax, walk around. Shake your legs and arms. अपने arms को और legs को shake करो, relax हो जाओ. 30 second आपका recovery, active rest है. थोड़ा अपने इर्द गिर्द walk करो. Very good. Next exercise, double foot thrust forward hop. 5 seconds to go. Ready. दोनों पैर जोड़ के together, आगे पीछे नहीं करना है, दोनों पैर together, दोनों feet together. Look straight, very good. 20 seconds over, 10 seconds more. Come on, come on, come on. Forward, backward, 30 seconds off. Legs. Shake your legs and shake your arms. Ten seconds to go. Next exercise, double foot side hop. हमने front में किया, अब side wise करेंगे. Ready? Sideways. दोनों पैर जोड़ के together. पैर close. दोनों feet together. Very good. Good. Excellent. Continue. Ten seconds more. Very good. Together. Very good. Both feet together. Legs. 30 seconds off. 30 seconds आपका active rest है. थोड़ा घूमो फिरो आसपास में. अपने बाजुओं को हिलाओ. अपने legs को हिलाओ. 15 seconds. Next exercise, ankle hop. जैसे हम skipping का action है, rope skipping करते हैं, वही same action है. 5 seconds to go. Very good. Proper action. Very good. Ankle hop. Ankles पे ही jump लेना है. Very good. Ten seconds. Excellent guys. Very good. सभी बहुत अच्छा कर रहा है. Very good. 30 seconds off. Twenty seconds over. Next exercise, sub max squat jump. Sub max में क्या है? पूरा squat नहीं करना है. Sub max squat ही करना है only. Side view mega. Okay. Ready. पूरा jump arms के साथ ऊपर को उठना है, hop करना है पूरा. Very good. Down time arms नीचे आना चाहिए. Up time arms को swing करना है ऊपर की तरफ. Very good. Back बिल्कुल straight रखना है. Very good. Excellent. Full squat नहीं करना है. लीना बिजू. Half squat.
रिलैक्स, थोड़ा वॉक कीजिए, वॉक अराउंड, टेन सेकेंड्स टू गो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 360 स्क्वायर जंप, 5 seconds टू गो, फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड, बैक, राइट साइड, देन चेंज, टर्न, गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू, राइट, बैक, लेफ्ट, बैक, राइट, फॉरवर्ड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कंटिन्यू, पूरा 360 घुमाना है बॉडी को, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, 5 seconds मोर, swing your hands accordingly. Left, 30 seconds off. सीखो इसको. ये कुछ एक्सरसाइज है जो हमने कभी नहीं किया होता है, तो मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आता है, तो सीखना है इसको. ट्राई करो मैक्सिमम एफर्ट लगाने का, हाथ को स्विंग करो बॉडी के साथ, लेग के साथ. वेरी गुड, 360 हो गया. नेक्स्ट हमारा है लोडेड बर्पीज, चाइल्ड पोज एक्सरसाइज करना है, उससे जंप लेना है ऊपर, देन अगेन मेगा साइड व्यू, 5 seconds टू गो, पहले चाइल्ड पोज एक्सरसाइज, देन जंप, लोडेड बर्पीज, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गाइस, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, जंप 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 अप गाइस, जंप अप, कम ऑन, थर्टी सेकेंड्स रेस्ट, लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट चेक करो, थोड़ा आर्म चेक करो, वॉक करो थोड़ा अपने आसपास, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा स्केटर स्टेप, जैसे स्केटिंग करते हैं स्केटर, तो वैसे स्टेप होते हैं उनके, स्केटर स्टेप ऑन द स्पॉट ही करना है आपको, 35 seconds टू गो, वेरी गुड, प्रॉपर आर्म एक्शन, आर्म प्रॉपर अल्टरनेट आर्म आगे आना चाहिए, वेरी गुड, जैसे स्केटिंग करते हैं पूरा एक्शन, देखो बैक लेग पूरा बेंड हो रहा है, ओपन करना है बैक लेग पूरा, बैक जितना ओपन कर सकते हो पीछे को करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, 30 seconds ऑफ, टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, ये 30 seconds जो रेस्टिंग पार्ट है, इसमें थोड़ा आसपास वॉक कीजिए, थोड़ा लेग्स को शेक कीजिए, थोड़ा आर्म्स को शेक कीजिए, थोड़ा लंबा गहरा सांस लीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा राइट लनर होप, रेडी, सिंगल लेग ओनली, वेरी गुड, पूरा बैक जाना है, साइड व्यू मेगा, गुड, वेरी गुड, बैक जाना है, होप करना है ऊपर, ओनली राइट लेग का, फर्स्ट राइट लेग का, गुड, कंटिन्यू, 20 सेकेंड्स ओवर, अल्टरनेट आर्म अप, 30 सेकेंड रेस्ट, वेरी गुड, रेस्ट, सेकेंड रेस्ट, टेन सेकेंड्स टू गो, नेक्स्ट लेग चेंज, सेम एक्सरसाइज है, पहले राइट लेग का किया, अभी लेफ्ट लेग का, लेग चेंज, प्रॉपर एक्शन में जाना है, प्रॉपर बेंड बैक, वेरी गुड, जंप में एक्शन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पूरा एक्शन में, वेरी गुड,
20 seconds over. ओके नाउ हमारा 10 एक्सरसाइज खत्म हो गया, फर्स्ट सेट खत्म है और 2 मिनट रेस्ट है. ड्रिंक योर वाटर, वॉक अराउंड, लंबे गहरे सांस लो, डीप इनहेल एक्सहेल, ड्रिंक योर वाटर, वॉक अराउंड, एक्टिव रेस्ट, वेरी गुड, शेक योर बॉडी, वेरी गुड. 2 मिनट का रेस्ट है, बिल्कुल एक्टिव रेस्ट है. One minute to go. Second set के लिए जाएंगे 1 minute में. आपका जो resting time है उसमें proper अपना recovery करना है. Hands को और legs को, arms को shake करो, थोड़ा relax करो, पानी पियो, walk करो आसपास अपने. Very good. चलो 30 seconds to go. First exercise, jumping jack. Okay, ready? First exercise, jumping jack. Proper. पूरा आर्म्स ओपन करना है, आर्म्स और लेग्स एक साथ क्लोज, एक साथ ओपन है. वेरी गुड. 20 सेकेंड, 10 सेकेंड्स मोर. थर्टी सेकेंड रेस्ट. Okay, next exercise, double foot forward hop. 5 seconds to go. Double foot forward hop, dono pair ek saath. Forward, backward, very good. Jump, forward, backward. Continue, very good. Dono pair ek saath. Continue, very good. 20 seconds over, 20 seconds more. Walk around. Shake your legs, arms. Five seconds to go. Next exercise, double foot side hop. Double foot side hop. Ready? Dono pair ek saath. Very good. Sideways. Very good. Excellent, guys. Sabhi bahut acha kar raha hai. 20 seconds over, 10 seconds more, continue, very good, excellent. 30
30 seconds off. Over 10 seconds to go. Next exercise, ankle hold. Ready. Ankle hops, very good. Keeping action. Come on, very good, guys. Jitna kar sakta hai, maximum karo. 30 seconds mein. Excellent, very good. Good, Naomi. Very good. Dono pair ek saath. 30 seconds off. Relax. Shake your arms and legs. Very good, Inocha. Next exercise, sub max squat jump, mega side view. Very good. Full squat mein nahi jana hai, full deep nahi jana hai, half squat mein. Very good, excellent, Sonia. Seconds off. Shake your legs and arms. Legs walk around. Take long breath. Seconds over. 10 seconds to go. Next exercise. 360 squat jump. 360 degree mein ghoomna hai pura body. First right, then backward, then left, then forward, then again reverse. 5 seconds to go. Ready. Very good, excellent. Half cut position mein aana hai. Back split. Back bend nahi karna, back split. Very good. Pura 360 degree mein ghoomna hai. Very good. Very good, excellent. Come on. Jitna kar sakta hai, utna karna hai 30 seconds mein. Very good. Excellent. 30 seconds off. Very good. Next exercise, loaded burpees. 20 seconds over, 10 seconds more. Loaded burpees. Child pose exercise mein first, then jump. Ready? Jump. Child pose exercise, then jump. Very good. Excellent, guys, very good. Come on, Adarsh Krishna Guti, very good. Walk around, shake your legs and arms. Take long breath, inhale, exhale.
Okay, next exercise, skater steps, 5 seconds to go. Ready? Proper. बैक लेग को जितना एक्सटेंड कर सकते हो बैक को करना है, पीछे बैक लेग को जितना खोल सकते हो उतना खोलना है. वेरी गुड. डाउन. वेरी गुड. आर्म एक्शन प्रॉपर. Left, 30 seconds off. Next exercise, right leg runner hook. Right leg mein karna hai first runner hook. Ready? पूरा एक्शन, पूरा रनिंग का एक्शन आना चाहिए, जो हमारा रनिंग के जैसे अल्टरनेट आता है. आम. वेरी गुड. वेरी गुड. Thirty seconds off. Next exercise, leg change, left leg. पहले राइट लेग किया, अभी लेफ्ट लेग. उड़े. वेरी गुड. प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर रनिंग एक्शन. वेरी गुड. Ten seconds to go. Very good. Come on, guys. Very good. All are doing very good. Okay, हमारा two sets over हो गया. One more set के लिए जाएंगे. Third set के लिए 2 minute rest है. और 2 minute rest है. Recovery time है. 2 minute आप पानी पीजिए. थोड़ा relax करिए. अपना legs को shake करो. Arms को shake करो. Tape long. डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप ब्रीथिंग. लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए. रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स. शेक योर आर्म्स, शेक योर लेग्स. आर्म्स को अपना थाइस का मसल को शेक करो हाथ के साथ. नीचे काफ मसल को शेक कर सकते हो लेग्स के साथ. आर्म्स को शेक करो, बॉडी ट्विस्ट करो साइड टू साइड. टेक ब्रीथिंग. वेरी गुड. वन मिनट ओवर. 1 minute टू गो. इसके बाद में थर्ड सेट है. अच्छे से करना है सभी ने. अभी हमने दो सेट में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया एक्सरसाइज क्या है, कैसे करना है. थर्ड सेट प्रॉपर करना है, अच्छे से करना है. रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लीजिए. ड्रिंक वन सिप बटर और रिलैक्स. टेक 5 लॉन्ग डीप ब्रीथ. इनहेल एक्सहेल. Ten seconds to go. First exercise, jumping jacks.
Okay, ready? Arms together open, together close. Arms and feet together open, together close. Good. Excellent. Very good, guys. Come on, come on. 20 seconds over, 10 seconds more. सावियो फोन को पढ़ा रहने दो, तुम मैसेज करो. नेक्स्ट एक्सरसाइज डबल फुट फॉरवर्ड होप. Very good. Come on, guys. Come on. Dono pair jod ke together. Pair close. Pair aage piche jana hai. Dono pair ek saath leke jana hai. 30 seconds off. Next exercise, side hop, double feet side hop, very good. Dono pair ek saath. Both feet together, very good. Thirty seconds off. Next exercise, ankle hop. Ready? Skipping action, ankle hop. Come on. Very good, ankle super, proper. Very good, jumping on your ankles. Skipping action. Thirty seconds off. Shake your legs and arms. Relax. Take long breath. Walk around. Next exercise: sub max squat jump. Ready? Back straight. Back bend नहीं करना है.
हाथ स्क्वाट में, और जब हाथ ऊपर लेके जाना है, हैंड्स अप, गुड दर्शन जी। थर्टी सेकेंड्स ऑफ, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज 360, चारों ओर घूमना है, 360 स्क्वायर जंप, फ्रंट राइट बैक लेफ्ट देन रिवर्स, लेफ्ट बैक राइट फ्रंट, वेरी गुड, अगेन रिवर्स, वेरी गुड। हाफ स्क्वाट में जाना है, फुल स्क्वाट में नहीं जाना है, बैक स्ट्रेट रहना है। Very good, 30 seconds off. Over, 10 seconds to go. Next exercise, loaded burpees, child pose exercise, then jump. Ready? Not kick. Inocha. Loaded burpees. Come on, come on, come on. Good, Sonia Devi. Very good. Thirty seconds off. Recovery. Shake your legs and arms. Ten seconds. Next exercise. Skater step. Ready. Very good. Proper. Back leg को पूरा खोलो, बाहर जितना खोल सकते हो पीछे की तरफ। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड जॉब, सभी बहुत अच्छा कर रहा है। 30 सेकेंड ऑफ, ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट लेग रनर होप, राइट लेग में, वेरी गुड, प्रॉपर रनिंग एक्शन, प्रॉपर
alternate arm and hand, leg, alternate leg and arm. Very good. Mega. Very good. Okay, next left leg hook, runner hook. Pehle right leg kiya, abhi left leg. Ready. Very good. Very good, excellent. Very good, excellent. Now हमारा session, main session complete हो गया. Clear. सभी ने बहुत अच्छा किया. Very good, excellent. So now ये हमारा beginning level में जो है beginners को करवाने के लिए, इसमें और भी intensity से हम करवा सकते हैं, ज़्यादा volume से करवा सकते हैं, इसमें 30 seconds की जगह 1 minute में करवा सकते हैं. 45 सेकंड्स भी करवा सकते हैं. ये तो एक बेसिक लेवल का एक्सरसाइज था. इसमें अगर बॉक्स भी यूज है, प्लायोमेट्रिक बॉक्स होता है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट भी बना सकते हैं एक्सरसाइज को एलाइट लेवल के लिए. तो ये जब जस्ट हमने बिगनिंग के लिए, बिगनर्स के लिए था, देन एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग है प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है क्या एक्चुअली. सो नाउ कूलिंग पार्ट के लिए जाएंगे. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए थोड़ा वॉक अराउंड योर सेल्फ, अपना ड्रिंक योर वाटर, पानी पी लीजिए सभी, प्लीज रिलैक्स हो जाओ. अच्छा से बॉडी का स्ट्रेच करेंगे. ओके, ओके, सो नाउ स्ट्रेचिंग पार्ट के लिए जाएंगे. स्टार्ट फ्रॉम टो टू हेड, फर्स्ट स्ट्रेच एंड होल्ड स्टैंडिंग. रेडी, स्ट्रेच एंड होल्ड, वेरी गुड. फुट फ्रंट थोड़ा आगे आ जाओ मेगा, कम फॉरवर्ड, मोर कम फॉरवर्ड, मोर. ओके, गाइस एंजॉय म्यूजिक एंड एक्सरसाइज टुगेदर. Baby, I can see your halo.
sit back first. Touch down. Perfect. And I'm addicted. Pull your toe up. Lift your calf muscles. But you don't even need to be my follower. Gravity you can't forget. So pull me right to the ground again. To up and away again. Cause every rule I had to break again. Very good. Stretch and hold. Breathe continue. Saans ko rokna nahi hai. Stretch. Take your leg. Take.
Bye bye with your feet. Very good. Oppo Find X2. Very good. Rotate. Incorporated a 100 your feet. Ultra vision screen. Screen reverse. Change, check size, alternate, leg should be loose, tight nahi rakhna hai, bilkul loose karke shake karo apne calf ko. Let's change both legs. Hold your toe and stretch. Very good. More stretch. Good extra. Good flexibility show. Touch your head with knee. Very good. Excellent. Good stretching. Hold your knee and roll over on your back. Now side to side. Catch and hold, release your breath, take deep inhale and exhale, hold your breath. Cobra, check your back. Full Cobra. Okay, so now our cooling down part complete. Hua.
So now I would like to request Mr. Janta Kumar Singh for debriefing, concluding part. Mr. Janta, sir. Yeah. Sir, thank you. Okay, very well, sir. Very good, all of you. Angrekosa, very well conducted. Megapati has been very well, very good conducted. अभी आगे आ जाइए लड़के, सभी खत्म हो गया, आगे आ जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज खत्म हो गया, थोड़ा नजदीक आ जाओ। आप लोगों ने जो क्या किया थोड़ा मैं बताऊंगा, दो मिनट और लूंगा, टाइम काफी हो गया। ठीक है, तो आज आपने क्या किया, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है आपने खास तौर के आपका लोअर बॉडी के लिए किया है। ठीक है, आप इसको करते समय प्लायोमेट्रिक के लिए आप स्पेशली करोगे। देखो, हम वार्म अप कराते हैं, सर्कुलर ट्रेनिंग कराते हैं, या आपका जिम में कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसमें उनमें से कुछ एक्सरसाइज ऐसे है, या वार्म अप नॉर्मली जो जंपिंग जैक हो गया, स्किपिंग जंप हो गया, ये भी प्लायोमेट्रिक में आते हैं। देखो, अगर आप ये एक्सरसाइज जो है हम वार्म अप में भी कभी कभी आपको मिल जाएगा, आपको सर्कुलर ट्रेनिंग में भी एक्सरसाइज के सेशंस में मिल जाते हैं, मगर स्पेशली आपको ये ध्यान देना है कि स्पेशली अगर आप प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करते हो तो उसके लिए एक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। आप क्यों करते हो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, क्या है, क्यों करते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका फायदे क्या है, ठीक है। प्लायोमेट्रिक में पहले मैंने बताया, प्लायोमेट्रिक एक डायनामिक मूवमेंट है। इसमें जो एक्सरसाइज आप नॉर्मली करते हो उसका एडवांस तेज है, उसमें आपका मसल्स का फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। और मूवमेंट जो है आप मैक्सिमम जो लेवल है, जैसे आप स्ट्रेसिंग कराते हैं, हम लेग प्रेस, हिप ट्विस्ट, मैक्सिमम स्ट्रेस कराते हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास लेवल में रखते हुए हमें फोर्स जेनरेट करना है, पावर जेनरेट करना है। समझ लो, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने हॉपिंग एंड लैंडिंग किया, ठीक है, होप करके नीचे लैंड किया, हाफ स्क्वाड में बैठा, तो उसमें क्या हुआ, आपने एक फोर्स जेनरेट किया, फोर्स जेनरेट किया और लैंड किया। लैंड करते समय उसको जो आपने फोर्स जेनरेट किया, जो पावर जेनरेट किया, उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब को, एब्जॉर्ब भी आपको ही करना है, मतलब आपके मसल्स जो है उसको पावर निकालना है और आपको एब्जॉर्ब भी करना है, तो इसमें आपको जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है प्लायोमेट्रिक में, ठीक है। मैक्सिमम रिपीटेशन के बदले में आपको करना चाहिए धीरे धीरे। अभी तो आज तो बेसिकली स्लीप वॉस आपने धीरे 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 कराया, मसल्स कंडीशन हो जाए, ठीक है, ये कंडीशनिंग भी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, रिपीटेशन की वजह आपको इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है, मतलब जंप करते हो तो हायर जंप, पावरफुल जंप, देन लैंडिंग ऑल्सो स्मूथली। जो आपने जैसे जंप करने के लिए थोड़ा बेंड करके अब गया, उतना ही जंप करके लैंड करोगे तो उस एंगल में आना, उससे नीचे नहीं जाना, ऑलमोस्ट बराबर एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये मेन चीज है आपको ये करते समय प्लायोमेट्रिक में, चाहे वो पुशअप से करो, पुशअप भी करोगे तो आप पुशअप में क्या है, खड़ा खड़ा नहीं रहेगा आपका पुशअप, अगर पुश करोगे, आपको पुश करके आपको क्लब मार के फिर नीचे आना है, या पुश करके ही नीचे आना है, तो बॉडी थोड़ा सा बेंड जाएगा, देन अगेन पुशअप होता है ना, तो आप ट्राई करना। सेम है इसको ब्लॉक यूज करके, बेसिकली क्या है, ये कहाँ से जेनर हो, एथलेटिक्स से जेनर हो, एथलेटिक्स में हमारे मेन जंपर्स होता है, ठीक है, जंपर्स है, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंपर्स, हाई जंपर्स, ये इस्तेमाल करते हैं कि अपने बॉडी को अपने आप कैसे मैक्सिमम पावर जनरेट कैसे करें और अपने बॉडी को लिफ्ट करें आगे, मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करें, इस्तेमाल कोऑर्डिनेशन करके और हायर लेके जाए। तो ये जो चीजें हैं वी कैन अडॉप्ट, ठीक है, स्पेसिफिक में जो हर स्पोर्ट्स में, चाहे वो फुटबॉल हो कहीं हो, उसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या है, आप जब हायर आप इसको समझ लेते हो तो इसको आप स्पेसिफिक में लेके आना, ठीक है। हमारा गेम में क्या है, पुशिंग एंड पुलिंग है, पुशअप भी करोगे तो उस तरह कर सकते हैं, जो हम ब्लॉक में जम करते हैं वो पुशअप के साथ ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड शिफ्टिंग कर सकते हैं, पुशअप बैंड, अब आगे आने वाले आगे सेशन मिलेंगे तो हम करवाएंगे। अगर आप चिनअप भी करते हो, आप लोग चिनअप भी करते हो, खिलाड़ी जो खेल रखे हैं, चिनअप में हम धीरे धीरे नहीं करते, जर्क करते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फटाफट मारने की कोशिश करते हैं, कभी कभी इंजुरी भी हो जाते हैं आप लोगों को। तो मसल जो फोर्स जनरेट किया फटाफट, फिर आप उसको एब्जॉर्ब भी करना है, तो आपको धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग में आदत लाना है,
रिदम में लाना है, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना, इसका क्या फायदे है, मैंने पहले ही बताया क्या क्या फायदे। पहले क्या है, इससे क्या है, आपका पावर जनरेट होगा। हमारे स्पोर्ट्स में ये कहाँ इस्तेमाल होगा, पावर जनरेट होगा तो आप कर रहे हो, पावर तो जनरेट होगा। आप स्पेसिफिक में आओ कहाँ इस्तेमाल होगा इसका, जैसे आप स्टार्ट लेते हो, आप फुट रेस के थ्रू है, फर्स्ट थ्रो कैसे लेता है, पूरा हाथ खोलता नहीं है, थोड़ा सा बेन करके डिप पैदल डालने की कोशिश करते, चाहे वो कैन हो कया को, आपका पर्सन लोक करके पाँव से जनरेट होता है ना। तो आसानी से आपको स्टेशनरी मूवमेंट से स्पीड बढ़ाने के लिए वहाँ पावर एप्लीकेशन होता है, तो वहाँ काम आएगा क्विक रिएक्शन, इसका पहले पावर जनरेशन आएगा। नेक ये क्या करता है, क्विक रिएक्शन, जैसे आपने टच किया फिर ऊपर आया, इस बताते हैं कि टच किया ऊपर आया, मतलब कंटेक्ट जो है, आप जमीन में कंटेक्ट जो करके तुरंत कितना जल्दी ऊपर आ सकते हो और इतना पावर फोर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट्स एन एग्जांपल, चाहे वो पुलअप हो या पुशिंग हो, आप पकड़ के कितना जल्दी ऊपर उठा पाते हो अपने आप को, देन लैंडिंग में कितना स्मूथ लैंड कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस भी आपको कैनो कयाक में मेंटेन करना है, ठीक है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है, जैसे पाथवे जेनरेट करता है आपके बॉडी में, कि हाँ जैसे बोल दिया रेडी गो, बोलते ही आपको बॉडी रिएक्शन करना है, तो वो तुरंत करने में आप हाथ से चलाओगे, काफी सारे पैदल हाथ से मारते हैं शुरू शुरू में, पानी निकलता है, शोल्डर दर्द हो जाता है, मगर ये एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा, पहले क्या बोला मैंने, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपको सिग्नल भेजता है उससे, ये सिग्नल आपकी बॉडी को आदत दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, रिएक्शन सिस्टम में क्या होगा, जो मैक्सिमम मसल्स है, मसल्स फाइबर आपको इन्वॉल्व होने लगता है, जो मसल्स अलग अलग मसल्स है वो कुछ चीजें के लिए इन्वॉल्व होने लगता है, जैसे कि पेलिंग मारा तो आपका फटाफट आपका लेग से लेके हिप जॉइंट हाथ सब एक साथ होके उस मूवमेंट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें है, जब आप बोर्ड में जाते हैं तो आपको स्टार्ट पेडलिंग सिखाते हैं, स्टार्ट टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये चीजें। इसके साथ आपका स्पीड भी बढ़ाने के काम आएगा, जैसे जैसे आप हाई इंटेंसिटी में जाएंगे, हम आपको और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के एडवांस स्टेज में जाएंगे, तो उसको स्पीड भी डेवलप करने में। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग द क्लास, बहुत अच्छा लगा, आप लोग कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, देख के कर भी रहे हो, ठीक है। आप ये सेशन की खत्म होने के बाद भी आई लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर किरण मैडम। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस एंड सजेशंस, थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री एम वेंकटेश्वर रेड्डी, डायरेक्टर साई एनसीओ एलएपी, फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द वोट ऑफ थैंक्स। Distinguished special guests on this webinar from IKCA and Sports Start of India, officials, participants from all over India, and ladies and gentlemen, today's session was very excellent and pneumatic, plyometric exercises, which is really enjoyable by all the participants, and all have sweated a lot within a short time that they have involved in it. And this Kelo India e-Parshala Athletic Coaching and Education Program is organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency, Alabin. This is an initiative by DGSAI, Mr. Sandeep Pradhanji, and this ACAP program can be attended by any of the athletes from schools, clubs, academies, and states. It is free for all, and which gives you advanced skills at a grassroots level and intermediate level in India. This program is supervised by a panel of experts from Sports Authority of India and IKCA. And today's special guest of the day, Mr. Vikram Singh, Kumar Pal, President, Delhi Canoe Kayaking Association. Are very much thankful for him for his presence over here, and he's present here all around, and he has given a very good
valuable advices to our participants. Like, aap log pani se dosti karna hai. A very good concept that he has told. If you are making friendship with the water, then if you love water, and you will be successful in your endeavor. And he also told about how he has started his water sports in Delhi, starting with the 10 and achieved more than 300 right now. Athletes have been produced from there, and many of them have got jobs in CRPF, BSF, and ITBP and other departments. And they have won medals at the Asian Championship and international stages, competitions. And this is a very good motivation for our people. And he also advised that one has to do with the heart, and one, if they are involved, they can get anything, and they should not only concentrate on a job. Job will come automatically, and if they are doing better. So this is a very good motivation that our participants have got. And thank you for this beautiful advice, sir. Thank you very much. I also thank our special guests from Sports Authority of India, Soma Devi from Manipur, and the International Kayaking Peddler. And she has explained very well about her achievements, and which motivates every one of us here. She has got 63 medals, nationals, and three international medals, benefited all online classes. And she also given good advices for juniors, saying that one should not waste time, and once you lose time, and you cannot gain it again. This is a very valuable advice for every one of us. And she has also given advice on how to follow the coach to achieve your medals. This, which she has practically experienced and advising us. So this is very for the participants who are present here. Thank you, madam, for giving this valuable advice and your involvement in doing the this exercise. And I also seen you participating regularly in our online program. Thank you, madam. I also thank our expert coach, who is actually involved, Mr. Jain Singh, L. Jain Singh, ICF ITO Level 3 expert coach, ex-master of chief petty officer from Indian Navy. And he has given a very good program today on the plyometric exercises, which improves speed, strength, and muscle development, and lower body especially, with a lot of benefits, and its aim has been explained very well. Thank you, Jain Singh. I also thank our lead coach, who is Angre Singh, Kanai Kwaking coach from SAI and NCOE LFP, who has explained very well and was demonstrated the skills and advice to all the online athletes to be active and correcting the things which is going to be wrong. And he has given a very good demo. Thank you, Angre Singh, for a good demo. I also thank our athletes, demo athletes, Mega Pradeep and Alina Sunil, for giving a good demo with their good test levels, and very happy to see you people be active in this, and thank you. I also thank our regional director, LNCP, Dr. Kishorji, for guiding us in this program. I also thank our program head, Mr. Sajid Thomas, Sajid Awadi, coach from our NCYLP. And I also thank our program director, Mr. Sajid Kumar, Asian medalist, coach from our NCYLP. I also thank our IKCA officials and personal panel of experts, HPD and HPMs, who are present over here and guiding us throughout this program. I also thank all the participants from Real Center, Pal, Kolkata, Lucknow, Alleppey, Port Blair, and from the states like Telangana, Punjab, Kerala, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andaman, Nicobar, and
many of the Port Blair people are senior and athletes from rest of the country. I also thank each one of you. And I also thank our Dr. Kiran Singhji for nicely anchoring our program. Thank you, madam. Thank you very much. And thank you, one and all. Thank you so much, sir. And that's all for today. Thank you so much, everyone, for watching and doing exercise. We will meet you tomorrow. Thank you.